गुड मॉर्निंग रेडियो, सुबह के बजने वाले हैं 7 और कोहरे के मौसम के साथ आज दिन की शुरुआत हो रही है। फिलहाल मेरा नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बना है, सबसे पहले बना लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं। ठीक है, नाश्ता बनो ले लो, खा के जाओ। मौसम रेडियो, कभी धूप आ जा रही है कभी छाँव। फिलहाल मेरा नाश्ता मट्टा है, आज मैंने सुबह फटाफट मैगी बना दी और रोटी जो है बुआ ने। अब नाश्ता वास्ता मार लेते हैं पहले। राधे राधे दगड़ियों में गणेश विश्वंगोली आर्ट उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में, तो यार दगड़ियों की हरे वाला रफा। फिलहाल नाश्ता पानी हो चुका है और अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मौसम भी साफ होता हुआ, कोहरा भी पूरा छट चुका है, हो सके कि धूप आएगी दिन में तगड़ी वाली। फिलहाल आज शनिवार भी है तो चलते हैं अब दुकान की तरफ, वही करते हैं रोला रफा। ठीक है, चलना तू बंदिया, जाओ गुरु मालक महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु सदा देवा। तगड़े शनि देवता के दर्शन करने के बाद टीका एका लगा दिया। आज यहीं पे खिचड़ी विचड़ी बनती है तो आज दिन का लंच यहीं होगा और लंच करके हम लोग सोच रहे हैं कि आज रील बनाने, रील शूट करने चले पूरी टीम के साथ। टीम तो यार दगड़ियों आप पूरी लेना भयंकर, सब जा चुके हैं, कुछ बहुत अग्निवीर में जा चुके हैं, कुछ बहुत कोचिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत नौकरी में जा चुके हैं, 2-3 लड़के हैं और शाम को भी प्लान बन रहा है, देखो क्या होता है दूर जाने का। यहाँ हिल यात्रा महोत्सव में खेती गाँव, देखो क्या होता है, अगर गए तो आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा। नहीं यहाँ तो दगड़ियों घर रोन बड़ल बहन कर दी हूँ। दगड़ा खिचड़ी इचड़ी बन चुकी है, अब कुछ देर के बाद भोजन शुरू करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आज एक छोटे से टूर पे क्या था, वहीं जन भी हमने वही चिन्हेदार रहेगी हमने वहीं रहेगी वहाँ पे। आज मेरे दिमाग में एक आध कॉन्टेंट आए हैं, वो सब निपटा के आते हैं, निपटा के आएंगे, मतलब अगर हो जाएगा तो सब कुछ, नहीं थी तशी भी। दगड़ियों बजने वाले हैं तो, और खिचड़ी चिचड़ी खा के हम लोग पहुंच चुके हैं अभी छिनी के धार में, बिल्कुल के गार्ड से आने के बाद मैंने सोचा एक रील बनाऊंगा, पर घमले के रे यार दगड़ियों अनेश मुनेश, मैं यार सोचता था कि बहकर खूबसूरत लड़कियां धूप में बाहर क्यों नहीं निकलती, का वजन यार यार दगड़ियों यश घम लग रहे हो भयंकर, कि वो तो यार बताओ मैं जाओ घाम को ना उश लग रहे हो भयंकर। फिलहाल आज शाम को हमारे क्या कहते हैं खेती गाँव तल्लीसार में हिल यात्रा के प्रोग्राम भी होने हैं और मैंने भी जाना था, बट जा नहीं पाएंगे इस बार, पिछली बार गए थे तो असल रंगत आ रहे थे, आज भी सुबह भी कॉल आई थी मेरे लिए, पर नहीं रहे यार दगड़ियों ये बार ने। फिलहाल ऐसे ही है कि कन्नू यार भयंकर हो रील बनू यार दगड़ियों, एक फिर मिल लूँ ठीक है। पिंजरे का काम पूरा होने के बाद आज हमारे चाचा अब
क्या बन रहा है जैसा है? आज गोलू भाई आए हैं, नई होटल की ओपनिंग होने वाली है। गोलू भाई की टूनी से बता रहे हैं। गोलू जी, फ्री में कुछ खिलाओगे हमको? मतलब ये बड़े की किम रिवेल तो वीडियो ये बन रहा है मुर्गे का जाल, मुर्गा पकाया जाएगा रोस्टेड के लिए। हो जाएगा चाचा इसमें? तो वीडियो मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाए हैं, छन्नीदार तो लगाए थे वहाँ तोड़ दिए। अब यहाँ पे मैंने एक पेड़, तीन पेड़ लगाए हैं आजकल, क्योंकि चार दीवारी करना बाकी है। बकर खा जी यार दगड़ी हुई लाले, ये देखो जम तो गया नहीं पर आप जी हुए गिल में। दो तीसरा यहाँ पे है, इस पर भी तार बार लगाने हैं अभी बाकी है। लाले जो है फिर बढ़िया रंगत आ जाती तो ना रोटा किनारे में कैसे उठा। मौसम सुहाना हो चुका है, दिन में जो गर्मी रहती है ना शाम के समय ठंडी हवाओं से जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। आहा गजब मौसम है दगड़ी हो प्याल का, दिन में तो किए रहूँ यार गर्म बहुत तगड़े। फिलहाल गोलू भाई का रेडी हो चुका है, काम जाऊँ। बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर। जने गन भाव गरी की सारे क्या क्या मार रहे कड़म मिली अपाची का है पर अपाची टायर फट गया यार दा तो गरी बे टायर आ दी कंडीशन का। काफी गंदगी हो जाती है दगड़ियों, चावल चाव जिला फोकिन नहीं आ रहे थे क्यों, चावल काफ़ी बर्बाद होते हैं हमारे वहाँ पहाड़ों में मंदिरों में। बकरे अकरे काटते हैं दगड़ी, वो तो ठीक है उससे मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, पर जो चावल फेंके जाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अनाज को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए कहीं भी मंदिरों में, अक्षत अक्षत की वजह से काफ़ी सारे चावल गिरा दिए जाते हैं। ऐसे ही साफ सफाई कर लेता हूँ मंदिर में थोड़ा। इतने सारे चावल बर्बाद हुए, अब इन चावलों को डाल देता हूँ मैं ऊपर जिससे चिड़ियाएँ खाएंगी इनको। चलते हैं, अब सफाई हो चुकी है।